Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. एक और सवाल जो हमारे यहाँ पूछा जाता है कि हमारे जब लोग फौत हो जाते हैं, अजीज़ व अकारिब फौत हो जाते हैं, तो हम उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर हम दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, उनके लिए जो है फातिहा पढ़ते हैं, जो भी मामला है। तो इस ज़मीन में अगर हम वहाँ पर जाकर अपने दिल की कोई बात करें या कोई दिल की बातें करें कब्र वालों से, तो इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं कि कब्रिस्तान की हाज़िरी के कुछ आदाब हैं। उसके अंदर ये है कि जब आप कब्रिस्तान में जाएं तो सलाम करें, और मसनून तरीक़ा यही है जैसा कि तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस 1055 में भी आता है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलाम, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम, हमारी और तुम्हारी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर, और तुम हमसे पहले आ गए और हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। इस तरह आप उनको सलाम भी कर देते हैं, और सलाम उसी को किया जा सकता है जो जवाब भी देता हो। ठीक होगी बात। दूसरी बात यह कि आपने उनके लिए दुआ भी कर दी और अपने लिए भी दुआ कर ली। तीसरी बात, आपने इस बात का इकरार व इजहार भी किया कि सब ने मरना है, तुम चले गए हम भी आ रहे हैं। इस ज़मीन में कब्र को आप बोसा नहीं देंगे, कब्र पर हाथ नहीं लगाएंगे, कब्र से कुछ फासले पर खड़े होंगे, चाहे मज़ार शरीफ की ज़ियारत हो या आम कब्र की ज़ियारत हो, यही उसूल है। कब्र पर पाँव नहीं रखेंगे, कब्र पर सोएंगे नहीं, इन तमाम चीज़ों से कब्र वाले को ईज़ा होती है। किसी मुसलमान की कब्र पर पाँव नहीं रखेंगे, ना रोंदेंगे, ना कब्र पर बैठेंगे, ना टेक लगाएंगे। याद रखें, अगर दूसरी कब्रों पर पाँव रखे बगैर अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों तक ना जा सकते हों, तो उलमा कहते हैं कि दूर ही से फातिहा पढ़ो, कि मुसलमान की कब्र पर पाँव रखना हराम है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि अगर हम वहाँ जाकर कोई बातें वगैरह करते हैं तो इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसमें उलमा क्या कहते हैं। देखें जी, एक बात जैसा मैंने आपसे कही कि वालिदैन हों या दीगर और अजीज़ व अकारिब हों या औलाद हो, उसकी कब्र पर जाकर उनको सलाम करने और उनके लिए ईसाल सवाब करने से उनको फ़ायदा पहुंचता है। इस पर मैं आपको कई दुरूस दे चुका हूँ, इससे वो खुश भी होते हैं, और यहाँ तक कि ऐसी रिवायतें भी आती हैं कि ना आने पर वो नाखुश हों या ख्वाब में आकर याद दहानी कराएँ, और वो सलाम का जवाब भी देते हैं। ऑफ कोर्स सलाम उसी को किया जा सकता है ना जो जवाब देता है और अल्लाह ताला उन तक पहुंचाता है। और ज़ियारत करने वाले को अगर वो दुनिया में पहचानते हों तो कब्र में भी पहचानते हैं, और अगर दुनिया में पहचानते ना भी हों तो सलाम का जवाब तो देते ही हैं। तो ये बात भी मैं आपको बड़ी तफसील से कई दुरूस में बता चुका हूँ, फिर एक एक तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो तफसील बता चुका हूँ आप आलम बरज़ख़ एक सीरीज़ प्लेलिस्ट वो है, और बरज़ख की ज़िंदगी एक प्लेलिस्ट वो है, मरने के बाद क्या होता है एक प्लेलिस्ट वो है। तो कम से कम तीन प्लेलिस्ट्स हैं जिसमें कई सौ दुरूस मैं आपको दे चुका हूँ। इसलिए जब कोई सवाल आते हैं तो मैं पिछले दुरूस की तरफ निशानदेही कर देता हूँ और एक आपको हिंट भी दे देता हूँ साथ छोटी में, ठीक है। तो अब देखें, वहाँ जाने से अगर वो आपको जानते हैं, जब आप वहाँ बैठते हैं, वो आपको पहचानते हैं, अगर दुनिया में पहचानते हो, तो एक उनसियत हासिल होती है कब्र वाले को भी और आपको भी। इसलिए अपने आयज़ा की कब्र और कब्रस्तान में जहाँ इबरत और आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए जाना चाहिए, इसी तरह उनके इशारे सवाब और रिश्तेदारी का हक अदा करने के लिए भी जाना चाहिए, और उन्हें अच्छा लगता है। अब आप दुनिया में भी अगर मिलने जाते थे तो अच्छा लगता था उन्हें, तो अब वहाँ पर भी आप जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। और याद रखो कि असल काम वहाँ जाने का, जो इससे मैयत को सही मानों में फ़ायदा होता है, वो उसके लिए दुआ करना है, और बाकी दिनों में जब जा नहीं सकते हो तो इशारे सवाब करते रहें, वो उस तमाम और दुआओं उसमें उन्हें याद रखें। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ जाकर ही दुआ करेंगे तो फ़ायदा होगा, आप घर से भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन ज़ियारत भी किया करें कि आपकी ज़ियारत से भी उनको खुशी होती है, जब आप आते हैं वो पहचानते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है ये दोनों मामलात अपनी तरह करते रहें। अब दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जाकर जो आप बातें करते हैं ना, उससे कोई उन्हें फ़ायदा नहीं होता, मतलब उनके लिए ना वो दुआ है ना उनके लिए ईसाल है। आपका गम हल्का करने की मकसद से अगर आप दिल की बातें वहाँ जाकर करते हैं तो इससे मैयत को कोई फ़ायदा नहीं होता, अलबत्ता आपके दिल का बोझ ज़रूर हल्का हो जाता है।
میت سے اس کا مداوع کرنے اور ان مسائل کو حل کرنے کہ بھئی تم برزخ میں پہنچ گئے ہو وہاں سے ہمارے مسئلے حل کر دو، نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے اگر آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ چلو میں زیارت کے لیے آیا ہوں تو چلو کچھ بات کر لیتے ہیں، اپنا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ان تک پہنچا دے، میرے دل کی باتوں کو، تو اور بات ہے، لیکن ایسی تو اسی لیے جو ہے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے تک تو جائز ہے، اس سے زائد نہیں۔ اور اس پر بہت ساری روایات آتی ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سمع موتا سے متعلق، کہ جو مردوں کا قبروں میں سننا، اس سے متعلق تو صحابہ کرام کے دور سے بہت ساری روایات چلی آ رہی ہیں، اور راجہ بات یہ ہے حدیث مبارکہ میں جن مواقع پر مردوں کے سننے کا ذکر آیا ہے، ان مواقع پر مردوں کا سننا یقینی طور پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ احوال میں بھی مردے قبروں میں سن سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ کے اعمال آپ کے رشتہ داروں کو پیش ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، اس سے انہیں خوشی ہوتی ہے یا انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی میں بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کے زمانے میں بھی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں ایسے عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ماموں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو رسوا ہونا پڑے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے امام غزالی جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء ان الفاظ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں ہر ایسے کام کو کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس مجھے رسوا ہونا پڑے۔ تو یہ ابن مبارک نے اسے الزہد میں جو ہے وہ روایت کیا ہے، حدیث نمبر 165، اور پھر اسے امام غزالی جو ہے وہ احیاء العلوم کی جلد نمبر 5 صفحہ 252 پر بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں، اسی طرح آتا ہے کہ تم اپنے برے اعمال کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ انہیں تمہارے فوت شدہ قریبی رشتہ داروں پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ موسیٰ ابن ابی الدنیا میں کتاب المنامات میں حدیث نمبر 2 آتی ہے، تو اس میں بھی یہ ذکر ملتا ہے، تو اس پر ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ بہرحال اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، ضمن میں کچھ اور واقعات پھر آپ سے کبھی ذکر کروں گا۔ تو آج اسی کوسچن کے اوپر فوکس کرنا تھا، میں نے اسی پر زیادہ فوکس کیا ہے کہ وہاں جا کر دل کی باتیں کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے، کتنی ہے، اور آپ نے اپنا تھاٹ پروسیس کیا رکھنا ہے۔ اور جو ہے اس سے متعلق بھی میں نے آپ کو ایک درس شاید تفصیلاً پہلے دیا ہو یا نہ دیا ہو، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، کہ مردوں کا قبروں میں سننا، اس سے متعلق بھی پھر بات کر لیں گے کبھی تفصیل سے۔ بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyed Saad Qadri.